जिला पुलिस बल ने गुरुवार को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए सुकमा थाना क्षेत्र के देवी चौक पट्टनम पारा में छापेमार कार्रवाई की। वहीं दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान भी बरामद किया। पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि नक्सलियों को कई सालों से यह विस्फोटक सामग्री दे रहे हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। नक्सलियों का शहरी नेटवर्क पकड़ाया है, क्या कहना चाहेंगे सर? थाना सुकमा में पीएलजी बटालियन का शहरी जो सप्लाई नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने में आज सफलता मिली है। इसी अंतर्गत कार्रवाई करते हुए संतोष मंडल निवासी चिंतलनार व नागार्जुन निवासी आंध्र प्रदेश, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया पाउडर व अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा इन्होंने कबूला की 2020 से ये लोग नक्सलियों की जो बटालियन टीम है उसको वॉकी टॉकी, यूरिया, गन पाउडर और अन्य विस्फोटक सामग्री ये सप्लाई करते थे। इन दोनों की गिरफ्तारी की वजह से बटालियन का जो सप्लाई नेटवर्क है वो कमजोर करने में आज सफलता मिली है। इन्होंने कुछ खुलासा किया है सर, क्या इससे और कुछ तार जुड़ने की कुछ संभावना है और नकली सप्लायरों के मिलने की कुछ संभावना है? इनके विवेचना के पश्चात और भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।